हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के 19वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की और जानेंगे कौन जीतेगा इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर मैचों की प्रेडिक्शन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 14 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने जीत हासिल की है, वहीं सिर्फ 10 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाकिस्तान की टीम काफ़ी आगे नज़र आ रही है। बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, इससे पहले अगर आप चाहते हैं इस मैच का 100% फिक्स रिपोर्ट, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा बजरंगी भाई का। मैं इनका काम काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, ये लगातार बैक टू बैक मैचेस पास करा रहे हैं। मैच तो पास करा ही रहे हैं, साथ में टॉस और सेशन में भी काफ़ी प्रॉफिट करा रहे हैं। इसलिए अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो एक बार इनके व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कीजिए, ये नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे टीम सेफर्ट, और उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद होंगे मार्टिन गुप्टिल। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे कप्तान केन विलियमसन और नंबर 4 पर डेविन कॉनवे खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीसम, मिचेल सेंटनर और टिम साउदी। वहीं बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं लॉकी फर्गुसन, ट्रेंट बोल्ट और ईश सोडी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो हमें पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे फखर जमान और नंबर 4 पर मोहम्मद हफीज़ खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान और इमाद वसीम। वहीं बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं हसन अली, हरीश रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। दोनों ही टीमें देखने में काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। पाकिस्तान की टीम अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, जिससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा, जबकि यहाँ पर न्यूजीलैंड अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है। अब अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो यह मैच खेला जाएगा शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह में। यहाँ की पिच पिछले कुछ मुकाबलों से बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही है। पिछले कुछ मुकाबलों को देखते हुए यहाँ का एवरेज स्कोर 165 रन है। यहाँ का ग्राउंड काफ़ी छोटा है, जिससे कि बड़े शॉट्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं, जैसा कि हमने कल के मैच में देखा। यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा जीतती है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। अगर आप चाहते हैं इस मैच का टॉस प्रेडिक्शन, तो हमें फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर काफ़ी सारी अपडेट्स आती रहती हैं। अब बात करें अगर मैच प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस और टीम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमारा पर्सनल प्रेडिक्शन ये कहता है कि इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम जीत सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएँ।